मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका जीएन भारत में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजभवन के समक्ष, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी तादाद में जो है सारी महिलाएं और पुरुष जो है यहाँ पे मौजूद है। और मैं बता दूँ आपको कि झारखंड अनुबंध पारा चिकित्सा कर्मी संघ के लोग जो है यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना पर अब है जो है बैठ चुके हैं। इनका लगातार धरना जो है अभी यहाँ पे जारी, और सरकार से जो है लगातार इन लोगों की यहाँ मांगे है कि सरकार इनकी मांगों को लगभग जल्द से जल्द पूरा की जाए। आज आप लोग की क्या कुछ रणनीति रही है यहाँ पे? देखिए, झारखंड के 2400 जिला से अनुबंध कर्मी स्वस्थ आए हुए हैं, और बहुत सालों से 16 साल से 14 साल से 12 साल से सरकार जितने भी अनुबंध कर्मी है पूरे झारखंड में जो स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं उनको वादा किया गया था कि सबको सारे को परमानेंट किया जाएगा, लेकिन बहुत ही कम वेतन में सारे कोई लगभग 16 सालों से काम कर रहे हैं 12,000-13,000 पेमेंट में, जिनका कि घर में बाल बच्चे हैं, पूरा परिवार है जिसका पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। पूरा कोविड महामारी में सारे अनुबंध कर्मी काम किए और कुछ यहाँ से चले भी गए, लेकिन सरकार का आज सिर्फ रणनीति यही है, सरकार से यही मांग है कि हम लोग का जितना जल्द से जल्द हो सके नियमितीकरण किया जाए। कुछ रैली निकालने की भी बात की जा रही है? अभी रैली के लिए बात चल रहा है, वो लेटर दिया जा रहा है SDO सर के पास, वहाँ से परमिशन लेने के बाद फिर यहाँ से रैली निकलेगी। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ से जो है रैली निकाली जाएगी और SDO सर तक जो है इन लोग अपनी बातों को पहुँचाने का काम करेंगे। हालांकि आप यहाँ पे विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कितनी सारी महिलाएं जो यहाँ मौजूद है, महिलाओं से बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। लगातार जाड़े के मौसम में जो आप लोग यहाँ पे बैठ करके अपनी मांगों को रखे हैं, क्या कुछ मांगे हैं, और कहीं ना कहीं आज आप लोग रैली निकालने की भी बात की जा रही थी? अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं करती है सरकार तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठ जाएंगे। हम लोग की मांग जब तक पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग यहाँ से धरने से नहीं उठेंगे। क्या कुछ मुख्य मांग है आपको? हम लोग का मुख्य मांग है नियमितीकरण। हम लोग 2007 से अभी तक अनुबंध में कार्य कर रहे हैं, हम लोग का 16 साल कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि हम लोग को जितना जल्दी हो सके नियमित करे, और हम लोग को सरकार नियमित करे ताकि हम लोग भी अपना सुदूरवर्ती कठिन क्षेत्र में आप महंगाई भत्ता को देखते हुए सरकार अगर हम लोग को नियमित कर देती है। दो नजरिया किया जा रहा है, सरकार तो कभी कहती है कि अनुबंध पे ये लोग है, लेकिन हम लोग सरकार जब 10 साल हम लोग का कंप्लीट हो गया तो हम लोग को नियमित करेंगे, और अगला सरकार भी हम लोग को वैसे ही चलवा दिया, फिर अभी भी जो सरकार है झारखंड सरकार हम लोग का CM हेमंत सोरेन, वो भी हम लोग को जब चुनावी वादा किए थे कि हम लोग सबको को नियमित करेंगे, अनुबंध कर्मी को नियमित करेंगे, लेकिन अभी तक वो भी हम लोग को नियमित नहीं किए हैं। मेरा नाम सहोदरी लकड़ा है, मैं गुमला जिला के बिशुनपुर प्रखंड से हूँ। तो जैसा कि आपने सुना कि रघुवर की सरकार में भी इन लोगों को छलावा देने का काम किया था, और हेमंत सरकार भी जब इनकी नहीं बनी थी सरकार तब अपना चुनाव मुद्दों को लेकर के उन्होंने तरह तरह के वादे किए, और कहीं ना कहीं उसमें भी युवा पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें जिसको लेकर के इन लोगों में काफी ज्यादा जो है आक्रोश नजर आ रहा है। हमारे साथ महिलाओं तो देख सकते हैं आपके कितनी ज्यादा महिलाओं की यहाँ पे भीड़ लगी नजर आ रही है। हमारे साथ यहाँ एक और महिला मौजूद है, उनसे जाने की। आपकी बच्ची है ये? हाँ, मेरी बच्ची। इतने ठंड के मौसम, इतने जाड़े में आप इस बच्ची को लेकर के दिन और रात पूरी यहाँ एक कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सरकार भी ये चीज नजर नहीं आ रही, फिर भी आप लोग की मांग जो है पूरी नहीं कर रही, बच्ची जो है यहाँ ठंड पे पड़ी है। सरकार से हम लोग का एक ही मांग है कि हम सबों को परमानेंट करें, और जितना जल्दी हो परमानेंट करें। हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं, और जितने भी सरकार के द्वारा जो प्रोग्राम रखा जाता है हम लोग सभी में हम लोग 100% सहयोग करते हैं, तो उसी तरह हमें सहयोग करें और हमें जितना जल्दी हो परमानेंट करें। हम बच्चा को लेकर के अभी ठंड में आके यहाँ पे हड़ताल धरना पे। बच्ची को कितना तकलीफ होती है ठंड की? तकलीफ तो हो रही है, इसका स्कूल भी नहीं जा पा रही है, बच्चा को स्कूल भेजना चाहिए था वो हम नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ये चीज देखे, और हमारा रिक्वेस्ट है सरकार से कि हमें जल्दी से कहीं ना कहीं आप अपने घर परिवार को छोड़ के यहाँ बैठी, कैसा लग रहा है? बहुत ही खराब लग रहा है कि हमारी सरकार है, हमने सरकार चुना और हम ही को शोषण किया जा रहा है। क्या बोलेंगे सरकार को हम कि हमें देखे और हम सबों के जिस तरह से
पेंशन लागू कर रही है, कहाँ कहाँ खर्च कर रही है, हम पर भी देखे और हमें भी परमानेंट करे, हमें भी बाल बच्चा पोसना है, पालना है, घर चलाना है। अभी घर द्वार छोड़ के हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हैं। जैसा कि आपने सुना, महिलाओं को भी काफी उम्मीद है सरकार से कि जल्द से जल्द जो है उनकी मांगों को पूरी की जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार कब इनकी मांगों पर गौर फरमाती है। बने रहे जीएन भारत के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।